गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूज ऑफ एंड का यूज करना सिखाऊंगी। तो एंड का यूज कब किया जाता है? जब दो चीजों को ज्वाइन किया जाता है, तब एंड का यूज किया जाता है। अब जैसे बच्चों देखिए, बच्चों जैसे ये है पेन, ये है पेंसिल। अब ये टू वर्ड्स हो गए ना, टू चीजें हो गई, टू ऑब्जेक्ट हैं। तो ये अब इनको ज्वाइन करेंगे तो पेन और पेंसिल बोलते हैं, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेन एंड पेंसिल। और की इंग्लिश क्या लगाएंगे? एंड पेन एंड पेंसिल। अब जैसे और क्या होता है? इरेजर एंड शार्पनर। ये इरेजर है, ये शार्पनर है। इरेजर एंड शार्पनर। अब इनको ज्वाइन करने के लिए क्या लगाया? एंड। जब कोई भी दो चीज होती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। अब जैसे इसमें देखिए, बैट बॉल। ए बैट क्या है? बैट और बॉल। अ बैट और अ बॉल। अ बैट अ बॉल। अब दोनों को ज्वाइन किया, बैट और बॉल को ज्वाइन किया दोनों को एक साथ, तो अ बैट एंड अ बॉल। अ बैट एंड अ बॉल। अब यहाँ पर देखिए क्या है? कैट, अ कैट। और यहाँ पर एक रैट है, अ रैट। अ कैट अ रैट। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा ज्वाइन करके? अ कैट एंड अ रैट। आपको हमने सिखाया था ए और ए एन का मतलब क्या होता है? एक। यहाँ भी एक कैट है और यहाँ एक रैट है, तो इसके लिए ए और एन का यूज किया जाएगा। ये आपको पता है ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं, ठीक है? तो अ कैट एंड अ रैट। जैसे क्या है, देखिए अ पेन, एक पेन है ना, अ पेन। एक बैग है, अ बैग। अब इन दोनों को ज्वाइन किया, ये देखिए पेन को भी और बैग को दोनों को एक साथ रखा। क्या आप पढ़ेंगे यहाँ पर? अ पेन एंड अ बैग। क्या पढ़ेंगे? अ पेन एंड अ बैग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक लड़का है ना, अ बॉय अ वैन। दोनों को ज्वाइन करिए, अ बॉय एंड अ वैन। अ बॉय एंड अ वैन। अब आपके पास है एक नोटबुक है और एक पेंसिल है, तो आप क्या बोलेंगे? अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। आपके पास चॉक है और डस्टर है, तो क्या बोलेंगे? चॉक एंड डस्टर। बुक और नोटबुक है तो क्या बोलेंगे? बुक एंड नोटबुक। ओके, पेंसिल एंड इरेजर, इरेजर एंड शार्पनर। दो चीजें हैं ना, इनको ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए एंड का यूज करेंगे। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखिए, ये बुक में एक्सरसाइज भी हुई है, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। तो अब हम इन एक्सरसाइज को अपनी 3-in-1 की इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे, ठीक है? तो बच्चों आप लोग निकाल लीजिए 3-in-1 नोटबुक, उसमें वर्क करेंगे। ओके, तो नोटबुक में इस तरह से अपनी मम्मा से, पापा से, किसी से भी उतरवाएंगे वर्क को, और फिर यहाँ पर आप रीड करते हुए वर्क करेंगे। अब देखिए, आपको राइट एंड इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें क्या राइट करना है? ए एंड डी एंड। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए अ टॉप, अ टॉप। ब्लैंक अ पॉट। टॉप और पॉट को ज्वाइन करेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे? ए एंड डी, अ पॉट एंड अ पॉट। अ टॉप एंड अ पॉट, क्या पढ़ेंगे? अ टॉप एंड अ पॉट। अ बैट ब्लैंक अ हेड, अ बैट अ हेड को ज्वाइन करेंगे बीच में, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए एंड डी एंड।
A fan blank a pen. A fan blank a pen. Fan और pen बीच में क्या लिखेंगे? A N D and. दो चीजें हैं ना, fan और pen, दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे? A N D and. A jug blank a mug. A jug and a mug. क्या फिल करेंगे यहाँ पर? A N D and. अब देखिए, a cat blank a rat. A cat blank a rat. दोनों को ज्वाइन करेंगे A N D and. A cat and a rat. तो इन सब में क्या फिल करेंगे आप लोग? A N D and. चलिए एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ. A top and a pot. A bat and a hat. A fan and a pen. A jug and a mug. A cat and a rat. चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. क्या दिया हुआ है ये देखिए आपको. मैच हेडिंग क्या है? मैच करेक्टली यूजिंग एंड. एंड का यूज करते हुए आपको सही वर्ड मैच करने हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है? शू. शू मीन्स क्या होता है? जूता. शू. अब शू एंड, शू एंड, शू मीन्स जूता. जूते के साथ क्या होता है? जूता और मोजा. शू एंड सॉक. शू एंड सॉक. शू के साथ क्या होता है? सॉक. तो शू एंड, अब इसको इससे मिला दीजिए, शॉक. शू एंड शॉक. जूता और मोजा. अब क्या है? सी एच ए आई आर चेयर. चेयर के साथ किसका पेयर बनता है? रेजर का, बोन, टेबल या वुमन? वुमेन. चेयर के साथ टेबल का पेयर बनेगा. तो चेयर एंड टेबल. कुर्सी. चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी. और मेज. टेबल मीन्स मेज. तो चेयर एंड टेबल, इनको मैच करिए. चेयर एंड टेबल. नेक्स्ट है PENCIL पेंसिल. पेंसिल और ERASER इरेजर. पेंसिल और इरेजर. पेंसिल के साथ इरेजर का पेयर होता है ना? पेंसिल और इरेजर, मैच करिए. पेंसिल और इरेजर. नेक्स्ट है MAN मैन. MAN मैन. मैन और यहाँ देखिए क्या लिखा है? WOMAN वुमैन. मैन एंड वुमैन. मैन एंड वुमैन. आदमी और औरत. मैन मीन्स आदमी और वुमैन मीन्स औरत. अब देखिए डी ओ जी डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. और बी ओ एन ई बोन. डी ओ जी डॉग. डॉग के साथ किसका पेयर बनेगा? बोन मीन्स हड्डी. डॉग हड्डी खाता है ना? तो डॉग एंड बोन. शू एंड सॉक. जूता और मोजा. चेयर एंड टेबल. कुर्सी और मेज, इनका पेयर बन गया. पेंसिल PENCIL पेंसिल एंड इरेजर. पेंसिल और रबर. MAN मैन एंड वुमेन. मैन एंड वुमेन. आदमी और औरत. डी ओ जी डॉग एंड बोन. डॉग और हड्डी. डॉग के साथ डॉग और बोन. कुत्ता और हड्डी. डॉग हड्डी खाता है ना?
इसके लिए डॉग के साथ क्या है, बोन। ठीक है, तो आपको ये वर्क दोनों अपनी नोटबुक पर सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।